नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस की। तो आज हम बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन तैयारी करेंगे। अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम जैसे RRB हो, SSC हो, या इनफैक्ट टेक्निकल, PSU, कोल इंडिया, कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको फिर से मिल लेंगे, हर एक बार घूमते रहते हैं ये क्वेश्चन फिजिक्स के। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट से कई बार हमेशा क्वेश्चन पूछा है। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एयर ह्यूमिडिटी की बात की है, तो कौन सा होगा, ये होगा हाइग्रोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखते हैं, लैक्टोमीटर मिल्क दूध के लिए है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए है, इस तरह सब आपको एग्ज़ाम करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें एक मिनट में क्लियर कर दूं बोर्ड। शेप ऑफ मिल्की वे, शेप ऑफ मिल्की वे किस तरह होता है। मिल्की वे आप जानते हैं, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका शेप पूछा गया कई बार। कभी बच्चे सर्कुलर मार देते हैं, कभी इलेप्टिकल मार देते हैं, लेकिन इसका शेप जो है स्पायरल होता है, स्पायरल शेप का होता है मिल्की वे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। स्पाइरल वाइंडिंग अगर आप देखे हो तो कुछ इस तरह करके होता है, उसको मिल्की वे को बोलते हैं। इलिप्टिकल थोड़ा सा ये होता है, सर्कुलर तो पूरा सर्कल, रेडियस आर जिसको बोलते हैं। तो ये स्पाइरल आपको याद रखना है मिल्की वे का। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाए प्लीज। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस कलर ऑफ डिफरेंट स्टार इज आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। देखिए कलर्स डिफरेंट स्टार्स की वेरिएशन क्यों होता है, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, डेंसिटी के कारण, या रेडिएशन फ्रॉम देम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही वो जो डिफरेंस आती है स्टार्स में, उसे कलर उनका डिफरेंट हो जाता है। टेम्परेचर होगा इसका सही आंसर कलर का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी। बैटरी किस साइंटिफिक प्रिंसिपल का ऑपरेशन, मतलब बैटरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो वो होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कंडक्टिविटी स्टोर करती है चार्ज जो बैटरी में होती है, तो उससे ये करंट सप्लाई करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ये काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। फिजिक्स के क्वेश्चन है ये। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड। देखिए फिर से इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपको ये रट लेना है, कोई भी एग्जाम दो दे आप, तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड जो होता है वो है आपका, वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वेलोसिटी और विंड, एमीटर। अमीटर आप जानते हैं, अमीटर किस लिए होता है, अमीटर करंट के लिए होता है, करंट का शॉर्ट फॉर्म आई बोलते हैं। जो ऑडियोमीटर साउंड के लिए है आपका, एल्टीमीटर एल्टीट्यूड नापने के लिए, या हो सकता है कुछ आपको ये देख लीजिएगा, लेकिन ऑडियोमीटर साउंड के लिए, अमीटर करंट के लिए। तो बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेड और ग्रीन कैसे है, क्योंकि अगर आप विवग्योर देखें, वेबलेंथ जिसका रेड और ग्रीन, RGB, जो RGB हमारा है, एक मिनट, RGB, ये बेसिक तीन कलर हैं। तो इनमें सबसे अच्छा ग्रीन और रेड, ये दोनों मतलब राइट दिन हो या रात में, दोनों में इजिली आप वेयर कर सकते हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो रेड ग्रीन में ही वेरिएशन होता है, इसको कलर ब्लाइंड जिनको होता है, याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। रेड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन ही उनका खराब होता है, और यही कन्वीनियंट कलर है हमारा। और यहाँ से कलर कोड आप जानते हैं, विवग्योर आप जानते होंगे, जिसका वेवलेंथ विवग्योर वॉयलेट लास्ट में आर मतलब रेड कलर का, और सबसे टॉप पे वॉयलेट जो होता है कलर, ये कलर कोडिंग है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। इसे कई बार वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछते हैं, वॉयलेट का सबसे ज्यादा है या रेड का ज्यादा है, तो इस तरह का कलर कर आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें पूछा था, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पीरियड मतलब टाइम पीरियड की यहाँ बात की गई है। अगर आपको पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर यहाँ आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो यहाँ पे डिक्रीज बाय फैक्टर होगा। कैसे होगा? तो टाइम पीरियड अगर आप मैं बात करूँ पेंडुलम का, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि बेसिक ये क्वेश्चन है, 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड। और उसके पूछा था लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हाफ, तो इसको एल को हाफ कर दें तो क्या होगा? डिक्रीज बाय फैक्टर ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये रूट ओवर है, इसलिए डिक्रीज बाय फैक्टर ही होगा। इसको हाफ कर रहे हैं, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा, लेकिन ये रूट कहें तो डिक्रीज बाय फैक्टर कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन दैट कैन, इक्विलिब्रियम एक अवस्था जिस पे क्या होता है, नेवर चेंज, चेंज ओनली इफ द आउटसाइड फैक्टर चेंज, चेंज ओनली इफ द इंटरनल फैक्टर चेंज, ओनली इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। ये तो होता सरासर गलत है, गवर्नमेंट पॉलिसी इक्विलिब्रियम का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो सब गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो है नेवर चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम क्यों चेंज करेगा? इक्विलिब्रियम एक अवस्था ही है, जैसे एक बॉडी मान ले एक सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये नेट इक्विलिब्रियम है, मतलब इसे फोर्स जो लगा है नेट वो जीरो है, ऊपर नीचे कुछ भी, ये इक्विलिब्रियम उस अवस्था पे है। तो इसके कंसेप्ट आपको होना चाहिए नॉलेज में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, देखिए क्रिकेट आप तो देखते होंगे, जब भी बॉल कैच करता है कोई तो अपने हाथों को पीछे पीछे खींचता है कैच लेने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी से आ रही होती है बॉल, काफ़ी अच्छी वेलोसिटी रहती है उसकी, उसमें मास होता है मोमेंटम, अगर आप जानते होंगे MV मोमेंटम, तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से हाथों को डैमेज कर सकता है, इसलिए टू रिकाउंटर दैट फोर्स मतलब हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि उससे इफेक्ट कम हो जाए, समझ रहे हैं, एक तरह के यहाँ पे आपको इफेक्ट लॉस करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा टू कैच बॉल प्लेयर पुल्स इन डाउन, तो टू लोअर द, इसका आंसर तो इसका सही आंसर इम्पल्स होगा। इम्पल्स देखिए उसमें तो फोर्स भी होता है क्योंकि उसको मास है, मोमेंटम भी है, तो जब वो दोनों मिलकर इम्पल्स जो हाथ पे लगाएगा उसको रिलीज करने के लिए वो हाथ पीछे खींचता है, ये आपको ध्यान देना, ये कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछा भी जाता है। तो बच्चे कई बार उसे मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंस ग्रेजुएट है वो भी कभी कभी यहाँ पे मोमेंटम कर देते हैं, और इसे नॉर्मल बंदे फोर्स मारते हैं सर, लेकिन इसका सही आंसर होगा इम्पल्स, ये आपको ध्यान देना है, इसको आप याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व, देखिए जियो स्टेशनरी और गैस्टेशनरी दो सैटेलाइट्स हैं आपके, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हाइट से रिलेटेड, क्या होगा? तो सैटेलाइट रिवॉल्व एट कितने पे क्या है, एट एनी हाइट, फिक्स्ड हाइट, हाइट विच डिपेंड अपॉन मास, हाइट अबव पोल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड हाइट, फिक्स्ड हाइट पे ये घूमता है, ये आपको याद रखना, फिक्स्ड हाइट पे जियोस्टेशनरी, और एक आपका दूसरा सैटेलाइट भी होता है स्टेशनरी, तो फिक्स्ड हाइट पे घूमती है, और तकरीबन कोई लिमिटेड टाइम के बाद जो है वो कुछ ही टाइम के बाद फिर से उसी पोजिशन पे आ जाती है, कोई फिक्स टाइम के बाद तकरीबन 24 आवर्स लेते हैं, जो जिस स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के अराउंड भी जो घूमते हैं, तो वो फिक्स्ड हाइट पे घूमते हैं, ना कि आज इस ऑर्बिट पे, तो कुछ ऑर्बिट पे हाइट चेंज नहीं होता है इनका, इनका फिक्स होता है, फिक्स पाथ पे घूमते हैं और फिक्स हाइट पे घूमते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट, देखिए जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है तो यहाँ पे रिसीट्स, रिसीट मतलब का मीनिंग अगर हिंदी में अगर आप देखें तो पीछे जाना होता है, मतलब पैरामीटर है आपका, अगर इसका रीडिंग जो है सडनली पीछे जाता है, एक तरह से आप ये अनुमान लगा लें, तो क्या होता है वो क्लाइमेट का किस तरह, ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैरोमीटर कंडीशन जब ऊपर जाता है नीचे जाता है कॉन्स्टेंट रहता है, तो किस क्लाइमेट कंडीशन को ये शो करेगा, ये कई बार पूछा गया। तो इसमें पूछा गया है रिसीट्स में घटने समय क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका होगा विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉमी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉमी होगा, ये बैरोमीटर का कंसेप्ट है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जब घट जाए इमिडिएटली, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको एग्जाम में, और यहाँ तो आपको पता चले
लोअर होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉमी होता है, जो आंधी तूफान होता है वो। और अगर आप बात करें यहाँ पे तो स्टीडी बैरोमीटर जो होता है, मतलब यहाँ पे आप कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा आपका, स्टीडी मतलब स्टीडी रहता है। तो रिजनेबल टेम्परेचर इंडिकेट्स कंटिन्यूस फाइन वेदर, मतलब अच्छा वेदर होगा आपका। लेकिन अगर फॉलिंग हो रहा है तो फॉलिंग आपको बता दिया मैंने, स्ट्रीमी वेदर रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करता है, राइजिंग टेम्परेचर इंडिकेट, ग्रेजुअल राइज इंडिकेट, तो उसमें वेदर बढ़ता भी है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ आपको राइज कब करता है, लो कब करता है, स्टीडी में क्या होता है। स्टीडी में आपको, एक मिनट, स्टीडी में आपका इंडिकेट्स कंटिन्यूस वेदर, मतलब अच्छा वेदर रहेगा। फॉलिंग में तो जैसे स्ट्रीमी वेदर आ गया, और राइजिंग में आपको याद रखना है, राइजिंग में एक तो यहाँ आपको देखना है, राइजिंग जो होता है, राइजिंग दो प्रकार, ग्रेजुअल राइजिंग इंडिकेट सेटल्ड वेदर, लेकिन वही रैपिड राइजिंग इंडिकेट अनसेटल्ड वेदर होता है। ये आपको याद रखना है बैरोमीटर के रीडिंग से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बैरोमीटर से पूछा गया है, राइजिंग का, स्टीडी का, लोअरिंग ऑफ बैरोमीटर रीडिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड से रिलेटेड। ये एस्ट्रॉयड वो दवाई नहीं है, ये है आपको प्लैनेट से रिवॉल्व जो करता है प्लैनेट, जिसको छोटा तारा ही बोलते हैं हिंदी में। तो इसे पूछा गया है कि रिवॉल्व्स अराउंड द सन विच इज द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स। तो ये किन दोनों जनरली पाया जाता है प्लैनेट्स के बीच में, एस्ट्रॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन विच ऑफ द टू प्लैनेट्स। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और एग्जाम का पार्ट बना है कई बार। तो जनरली ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बारे में ये पाया जाता है एस्ट्रॉयड, ये आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉग इज जनरली पॉल्यूटेंट, स्मॉग, स्मॉग एक पॉल्यूटेंट है जो जनरली पाया, क्या क्या से पॉल्यूटेंट इसमें मिले होते हैं, स्मोक स्मोक स्मोक, ये आपको ध्यान रखना है। और भी एक होता है ये मिस्ट शायद, और फॉग, इस तरह का सारा आपको याद रखना है किस तरह का आपका यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स मिला होता है इसमें। तो स्मोक में क्या होता है ये आपको देखना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एयर कंटेन एक्सेस SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा स्मोक में, और स्मोक में एयर पोल्यूटेंट्स में कंटेन एयर एक्सेस। तो बाकी देखें, और स्मोक में जो है पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर पार्टिकल्स मिक्सचर डस्ट, स्मोक बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। और स्मोक में एयर पार्टिकल हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ये वाटर पार्टिकल्स, तो स्मोक मिलाता ही बनाता है, ये आपको ध्यान देना है कि एग्जाम का कई बार पार्ट बना है। और मिस्ट जो है, मिस्ट जो है आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से बनते हैं मिस्ट, ये आपको ध्यान देना है। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, स्मोक के, स्मोक के, मिस्ट, फॉग, आपका फॉग एक वाटरी लेवर आपका फॉग है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन पूछा गया, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा अगर टेम्परेचर ऑफ मीडियम बढ़ाया जाए। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी बात की गई, घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन कंस्टेंट, या ड्रॉप सडनली होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो वो होगा रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर आप बेसिक फिजिक्स पढ़े होंगे, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो ही चेंज करता है, और उसी के कारण इसमें डिफ्लेक्शन भी होता है। अगर आपने बेसिक पढ़ा हो, मान लीजिए ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है ना, वाटर, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जो हिट करता है ये मीडियम, इसका चेंज कर जाता है। चेंज क्यों करता है? स्पीड के कारण। और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो एक मीडियम से और दूसरे पर जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए लाइट से रिलेटेड का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो, अगर कुछ भी आपको यहाँ से नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इस तरह के आपको हमेशा एक नए किस्म की जानकारी हमेशा देता रहूँगा, आपको आपको जो बेनिफिट करेगा। तो इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के अपडेट के लिए। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसमें आज हम फिजिक्स की बात करें, बाद में हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में कंटिन्यूस जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। रेफ्रिजरेटर में, इन रेफ्रिजरेटर व्हाट
प्रोड्यूसेस द कूलिंग, कूलिंग ठंडा कौन करता है, क्या करता है? द आइस विच डिपॉजिट ऑन फ्रिज, बर्फ जो उसमें फ्रिज में होता है। ये देखिए जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रिज तो सबके घर में होता है और ये जनरल आपको क्वेश्चन पूछा गया, फ्रिज का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, जो उसमें कंप्रेसर गैस होता है, जो CFCS जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, CFCS जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को काफ़ी बढ़ावा देता है। तो अब जनरली ये बंद हो गया है। द इवेपोरेशन ऑफ वॉलाटाइल लिक्विड, जो वॉलाटाइल लिक्विड होता है उसके कारण होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा द इवेपोरेशन ऑफ वॉलाटाइल लिक्विड, जो उसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का कंसेप्ट आपको पता होगा, वॉलेटाइल जो तुरंत उड़ जाता है, नॉन वॉलेटाइल जो वहाँ पे जो सही से उड़ता नहीं है, जो वॉलेटाइल जैसे स्प्रिट वगैरह हो गए वो तुरंत उड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इवेपोरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई वी एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। ये देखिए थोड़ा सा डीप नॉलेज है, थोड़ा चाहिए इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कि लॉन्ग और शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट क्यों, क्या इफेक्ट करता है, क्यों हम सुन पाते हैं शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा फिजिक्स डीप पूछा गया। शॉर्ट वेव आर अनएक्सपेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस। शॉर्ट वेव जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस से अनअफेक्टेड होता है शॉर्ट वेव। लेकिन लॉन्ग वेव क्या होता है, जिस फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ जो बोलते हैं हाई होती है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस के साथ अगर आप जाएँ तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। लेकिन शॉर्ट वेव क्या है, शॉर्ट वेव स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, और तो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको बेसिक याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, देखिए इन्वेंशन से फिर से क्वेश्चन आ गया। ये आपकी इन्वेंशन डिस्कवरी जो मैंने अपलोड किया हुआ है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसके ट्रिक बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को याद रखना है आपको। अब पेन याद रख लीजिए, सिंपल PEN, और इसको याद रख लीजिए RTC से। तो पिन पी से आपका प्रोटॉन हो गया, जो कि रदरफोर्ड, ई से इलेक्ट्रॉन जो चैडविक, और एन से न्यूट्रॉन जो है थॉमसन। तो यहाँ पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब चैडविक, तो इसका तो ये क्वेश्चन देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप के इन्वेंटेड पूछा गया है, ना कि आपका इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का होता तो आपका चैडविक होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जाएगा नॉल एंड रुस का एक सही आंसर होगा यहाँ पे। यहाँ पे तो देखिए अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का है, आज मैंने आपको जियोस्टेशनरी या स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कंसेप्ट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इज इट नॉट ट्रू। तो इट इज टाइम पीरियड 24 आवर्स, ये सही है, 24 आवर्स में घूमता है कि नहीं। इट्स एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट इज फिक्स्ड इन स्पेस, इट्स रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए ये सारे कंसेप्ट ये नॉट ट्रू पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इट इज फिक्स्ड इन स्पेस। फिक्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखिए पहली बात तो ये इसमें मूवमेंट है, फिक्स तो होने से रहा। टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में ये एक चक्कर लगाती है, तो फिक्स का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ये आपको यहाँ पे गलत होगा ये आंसर, बाकी सब सही है। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, देखिए वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ओवर द इक्वेटर, इससे एक वेस्ट टू ईस्ट आपका या प्लैनेट का रिवॉल्व जो होता है सन के अराउंड, वो भी इसी तरह होता है। दो प्लैनेट्स हैं जो उल्टा घूमते हैं, जिनका नाम यू वी से याद रखना है आपको, यूनेनस और वेनस। ये जो है इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये मैं आपको बता। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक मिनट। सारे प्लैनेट्स जो हैं, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का हो गया। सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड जो घूमते हैं वो काउंटर क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं,
लेकिन दो है आपका यूरेनस और वेनस, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये कंसेप्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस सेट में देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये क्वेश्चन प्रेशर से, जो प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जब प्रेशर हम किसी चीज पे डालेंगे, किस चीज पे, यहाँ पे आइस की पूछ गई, मान लीजिए आइस क्यूब है, उस पर प्रेशर हम डाल रहे हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा नॉट चेंज, तो ये घटेगा, ये आपको यहाँ प्रेशर डालने पे मेल्टिंग पॉइंट उसका घटता है, ये आपको ध्यान रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट की बात है, प्रेशर इंक्रीज करने पे, प्रेशर जो हमने बढ़ाया, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है, तो आइस मेल्ट तो जल्दी हो गया है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर गया, ये यहाँ पे सही आंसर होगा। भले फास्ट मेल्टिंग मेल्टिंग हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो ऑफ आइस है डिक्रीज करेगा, ये कंसेप्ट सही होगा, यहाँ पे गलत है, ये इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा ये। तो बढ़ते हैं आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी की 25 अगले सेशन में करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो इसका सही वो होगा वैक्यूम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उस तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, लेकिन यहाँ वैक्यूम गलत आंसर होगा। तो मतलब सही आंसर यहाँ वैक्यूम ही होगा, वो उस पर ट्रैवल नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन में है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो है, पीटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ क्या, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन ऑफ एयर, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ, 25 क्वेश्चंस हो गए, अब 25 बाकी के अपलोड मिलेंगे। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, जो स्टैटिक जी के आपको यहाँ से मिलेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।